लोगों की जमीन पे किसी की जमीन ना छीनी जाए, मकान ना तोड़ा जाए, कोई टैमेज नहीं किया, खंडर ना बनाया जाए और चाहे के साल रहने की मानवता हूं है, पता लग जाए इनको, जाए उठा के बंदूक लेके तलवार लेके जाए ना, बचाए ना अपना एरिया जो हाथ से निकल रहा है। जिन्होंने जमीनें बनाई बचाई वो देने के हकदार थे, दे सकते थे। बाहर का टाटा भी बाहर का, डायमंड भी बाहर का, बड़ी इंडस्ट्री भी सारी बाहर की, यहां कौन बदमाश रहता है? ये छोटी छोटी मच्छियां बेचारी आटा खा के गुजारा कर रही है, कोई फेंक रहा है तो खा रही है, नहीं खा रही है। इंक्रोचमेंट नहीं है, जिस बंदे की गिरदावरी है वो इंक्रोचर थोड़ी है। गिरदावरी तब होती है वो इंक्रोचर, अगर इंक्रोचर तो गिरदावरी कैसे होगी? अगर वो इंक्रोचर तो फिर उस बंदे का इंतकाल कैसे हो गया? उन्होंने अपने काम का ही करके, अपनी मेहनत करके अपना सब कुछ खड़ा किया है, आप उसको तोड़ दोगे क्या? और ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये इज्जत और यादराजी की लड़ाई नहीं है। हम तो सीधी, जो भी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जो हमारे इलाके में रहता है वो हमारा ढोकरा है, हम उसके साथ है और उसको भी एज ए ढोकरा मस्ट फाइट, दे मस्ट फाइट, और अपने अधिकार के लिए सामने आना चाहिए। इतना बड़ा क्राइम है, ये क्राइम कर रहे हैं, शहीदी कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और लोगों के साथ इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये लोगों की बनाई हुई सरकार, जो लोगों ने बनाई थी कि वो सरकार है। कौन है मगरमाश? ये खुद मगरमाश है सर, कौन समझा मगरमाश है बताइए पहले? नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेना भी, ये बंदा मगरमाश है, ये बंदा मगरमाश है, बाद में मछलियां पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ कहां पकड़े, मच्छियां पकड़ी हैं सारी। मुझे तो जम्मू के टूटे हैं, आपने देखे हैं, अब जो हुए वो बाबा के माला तोड़ तोड़ के चला रहा था, मुझे बताओ सारा दिन वो बेचारा बीजेपी के गाने गाता था, बहस करता था हैं, और वो कहता, अब वो कहने लगा कि मुसलमान खड़े। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ ये मगरमच्छ की जो बात करते हैं इनको ध्यान रखें कि मगरमच्छ की डेफिनेशन होती क्या, कहां मगरमच्छ है। और जम्मू हमारी स्टेट में मगरमच्छ है कोई नहीं, जो एक कोई हजार कनाल का, हजार एकड़ का मालिक हो, यहाँ तो है कोई नहीं। यहाँ तो कोई बिरला भी बाहर का, टाटा भी बाहर का, डायमंड भी बाहर का, बड़ी इंडस्ट्री भी सारी बाहर की, यहाँ कौन मगरमच्छ रहता है? ये छोटी छोटी मच्छियां बेचारी आटा खा के गुजारा कर रही है, कोई फेंक रहा है तो खा रही है, नहीं खा रही है। आप जम्मू के लोगों को कोई बंदा मगरमच्छ कहता है वो ही है, लोग नहीं। अगर है तो नाम बताए, किसको मगरमच्छ बोलते हो, कौन आदमी जिसको बोलते हो? और महाराजा साहब की दी हुई जायदादें, प्रॉपर्टी है, महाराजा भी गवर्नमेंट थी ना, महाराजा भी गवर्नमेंट थी ना, सरकार थी ना, जिन्होंने स्टेट बनाया, इन्होंने बनाया स्टेट, और कहो जाओ ना चाइना के साथ लड़ने की मानवता हूं है, पता लग जाए इनको, जाए उठा के बंदूक लेके तलवार लेके जाए ना, बचाए ना अपना एरिया जो हाथ से निकल रहा है। जिन्होंने जमीनें बनाई बचाई वो देने के हकदार थे, दे सकते थे। उन्होंने लोगों को जो किसी को घास चराई दी है, उन्होंने दी है, आप कौन हो? उन्होंने दिया कि जंगल में कौन जा सकता है, जंगल के बाहर कौन जा रह सकता है और गांव में कौन रह सकता है, उन्होंने दी। उसके बाद फिर 70-72 साल फिर सरकारें रही, उन्होंने की। अब आपकी सरकार है नहीं, आप कैसे गैर कानूनी काम करते हो, आपको क्या अधिकार है? जब आपकी सरकार होगी बात करना, बनाओ ना सरकार अपनी, आप बनाओ, निकाल दो जो करना चाहते हो। आपकी करतूतें सामने आ रही हैं तो अब ये बातें इधर की उधर की इधर की हो रही है। हम इस बात के लिए टोटली खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं कि लोगों की जमीन पे किसी की जमीन ना छीनी जाए, मकान ना तोड़ा जाए, कोई डैमेज नहीं किया, खंडर ना बनाया जाए और जिसकी गिरदावरी और इंतकाल है उस किसान को 5 मरले, कोई कहता 3 मरले, कोई कहता हमने इतनी 3-3 मरले जगह देने की बात हो चुकी है। भाई साहब अगर बात हो गई आपकी तो फिर हुई किसके लिए? बेसिकली ये खुद दुकानदार है, सोचते कि दुकान ही 5 मरले 3 मरले की, भाई किसान के पास तो जमीन किनारों में एकड़ों में होती है, अब उसमें उसकी कौन परवाही करेगा? तो इसलिए मेरे कहने का मकसद है कि जो आपने बात करी है ये अपने लोगों को शेल्टर नहीं, ये सारा तबाही का शेल्टर है।